लॉ नंबर 35, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। जैसा चाहे सोचे पर व्यवहार दूसरों के तरह ही करें। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, रोम जो कि काफी प्यारा शहर है इटली का, तो वहां पर एक यात्री जाता है ट्रैवल को, तो वहां का लोकल नागरिक उसको घुमाता है, तो यात्री को वो शहर अच्छा लगता है और ठीक ठीक लगता है। पर शाम में जब उससे वहाँ का लोकल नागरिक पूछता है कि आपको कैसा लगा शहर, तो उसने कहा ठीक ठीक लगा। फिर नागरिक ने कहा यहाँ का बाजार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो यात्री बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वहाँ का लोकल नागरिक बोलता है यहाँ की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति है। फिर यात्री बोलता है नहीं नहीं ये सब फालतू बात है, यहाँ तो बिल्कुल लोकल है, कोई खास नहीं लग रहा। और ये सब होने के बाद शाम में पता चलता है वहाँ के लोकल 10-12 नागरिक मिलकर उस यात्री को दफन कर देते हैं और उसका पता भी नहीं चलता। तो कहानी का मकसद ये है कि इन द गेम ऑफ पावर डायनामिक्स आप भीड़ से हटकर नहीं दिख सकते। मुझे पता है आपके अंदर बहुत ही आक्रामक विचार उठते हैं, आप लोगों की तरह नहीं सोचना चाहते, आप लोगों की तरह नहीं बोलना चाहते, सब ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन अपने दिमाग के अंदर में इसको लोगों के आगे हर जगह दिखने मत दो। तो उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि उनको तुमसे हर वक्त खतरा है। इन सिंपल वर्ड्स, डू लाइक एज रोमन डू व्हेन यू आर इन द रूम। क्योंकि तुम इसको डीप पे समझने की कोशिश करो, तुम क्या चाहते हो, जिस एरिया में हो, जिस फील्ड में हो, जिस नीश में हो, जिस मार्केट में हो, जिस ऑडियंस के बीच में हो, तुम वहां पे सुपीरियर पावर के गेम को एंजॉय करना चाहते हो और उस पावर के गेम को एंजॉय नहीं, उसमें बने रहना चाहते हो लंबे समय तक। और ये कब होगा, जब उनको तुमसे थ्रेट फील नहीं होगा, उनको तुमसे डर नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये बंदा तो हमारे ही समुदाय का है, ये हमारी कम्युनिटी का है, इस तरह। क्योंकि अगर तुम मेरी बात को काट दो, बोलो कि आदित्य ऐसा नहीं होता, मैं कुछ अलग हूँ, मैं जानता हूँ तुम में वो आग है, मेरे अंदर ही बहुत है, सबके अंदर होती है वो आग, और बहुत लोग उस चीज़ को दिखा देते हैं बेवकूफ़ों की तरह। उस आग को ऐसे दिखाओ कि बस जिस एरिया में तुम डोमिनेट करना चाहते हो वहाँ उनको भनक नहीं लगना चाहिए। इसको हम लोग एक चीज़ से और ग्रैंडाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ नेवर आउटशाइन द मास्टर। पर यहाँ पर कोई एक मास्टर नहीं है, यहाँ पर यू हैव टू बी फील कि तुम उस झुंड का ही हिस्सा हो। अब तुम में से बहुत लोग बोलोगे आदित्य कुछ खास समझ नहीं आया, इसको और थोड़ा तोड़ सकते हो तुम? ज़रूर मैं तोड़ूंगा इसको। चलो चलते हैं बचपन की तरफ। जब तुम बचपन में पैदा हुए थे, अपनी माँ बाप के साथ खेलते थे, तुम नादान थे, तुम डिपेंडेंट थे, ना तुम्हारे पास पैसा था, ना पावर था, ना फिजिकल स्ट्रेंथ था, ना इमोशनल स्टेबिलिटी थी, जो अभी भी शायद नहीं होगी उतनी, पर स्टिल उस समय तुम बहुत ही फ्रजाइल थे, बहुत ही वीक थे, तुम्हें लोगों पर डिपेंडेंट ना चाहते हुए भी होना ही था। तो तुम अपना काम बनवाने के लिए क्या करते थे? तो याद करो, तुम्हें अगर कोई खिलौना लेना होता था तो तुम क्या करते थे? मुझे खिलौना चाहिए, रोना गाना सर पीटना, तुम जो कर सकते थे करते थे, पर मेक श्योर करते थे कि तुम ये दिखाते थे कि तुम उन पर डिपेंडेंट हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उनसे ही मिलेगा, और ऐसा लगता था कि तुम उन्हीं का पार्ट। तो माँ बाप भी पिघल जाते थे या जो रिलेटिव होते थे और वो चीज़ें तुम्हें दे देते थे। तो तुम ये चीज़ उस वक्त समझ गए थे कि अपना काम बनवाना है तो लोगों के साथ मिलाकर चलना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप होने लगा, तुम सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे, उस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा एक्ट नहीं किया, बस जहाँ से जो मिला सुनते चले गए, आधा अधूरा ज्ञान लेते चले गए। और ये बहुत लोगों ने कहा है दैट लिटिल नॉलेज इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। या तो चीज़ की तुम्हें नॉलेज होनी नहीं चाहिए, या तो पूरी तरह से पढ़ाई करो, लेकिन अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके उतरोगे कहीं पर भी सिर्फ रायता फैलाओगे। तो अब होता यूँ है कि तुम में से कुछ लोग समझ गए कि नहीं नहीं अभी भी मैं इस झुंड का हिस्सा हूँ, मुझे मिलाकर ही चलना पड़ेगा, कुछ भी करना है, लेकिन मैं अपनी भीड़ को काट नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्मार्टली खेलना पड़ेगा इनके बीच में, ठीक है। लेकिन तुम में से कुछ लोग, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे से दूर रहो तुम, एकदम ही कट जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इस तरह से वो हर जगह अपने आप को लॉजिकली ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं और लोग उनको समझते हैं कि यार ये तो मेरे झुंड का हिस्सा है ही नहीं, ये तो अलग ही ज़्यादा कुछ बन रहा है, ये तो कुछ अलग ही ज़्यादा कर रही है, ये हमारे पार्ट नहीं है। उनको अगर ये ज़्यादा थ्रेट हो गया ना, तुमको वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर तुम्हें अगर उनसे कभी ज़रूरत पड़ गई, और पावर के गेम में याद रखना तुम्हें हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सो यू हैव टू नो हाउ टू यूज़ मैनिपुलेशन, परसुएशन आई विल से, इन अ राइट, इन अ साइकोलॉजिकल मैनर। तुम्हें परसुएट करना आना चाहिए, नॉट मैनिपुलेट। क्योंकि इस चीज़ को तुम कभी मत भूलना, लिख लो मेरे साथ,
दैट किसी भी कंट्री में, किसी भी टाइम में, किसी भी फ्रेम में, किसी भी इकोनॉमी में ओवर 80-90% आर इमोशनल. इवन मैं भी इमोशनल हूँ, तुम भी इमोशनल हो. सो बहुत ज़्यादा लॉजिक का सहारा मत लो हर जगह. लोग भावनात्मक होते हैं. लोगों के साथ हमेशा भावनाओं से उनके खेलो, उनके भावनाओं को समझो. ज़्यादा लॉजिकल बनोगे, लोग को लगेगा ये मेरे लिए थ्रेट है, वो उठाकर फेंक देंगे और तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा. वेन यू वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप क्लास ऑफ द पावर. तो जो लोग चालाक होते हैं ना, चालाक वर्ड गलत होगा, जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो सही में जानते हैं इस गेम ऑफ पावर को, वो समझ जाते हैं कि मुझे इनके साथ मिलाकर चलना है. और अगर मुझे अपनी कभी कोई आइडियोलॉजी प्रमोट भी करनी है तो पहले मैं इनको ये फील करवा दूं कि मैं इन्हीं का पार्ट हूं, मैं इन्हीं के जैसा हूं, फिर मैं जैसा चाहूं उनको वैसा बना दूंगा विथ माई इमोशनल अपील. इसी के साथ मैं तुमको एक चीज फिर याद दिला देता हूं, ये कभी मत भूलना कि पुरानी परंपराएं, धर्म या जो भी चीजें जो वर्षों से चली आ रही है वो खत्म हो गई है. तुम कितना भी साइंस को डेवलप कर लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ऑल्दो आई एम अ फैन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एवरी डे, बट स्टिल अपने रूट्स को, अपने इमोशनल पार्ट को, अपने एमिगडाला को, अपने प्राइमल ब्रेन को कभी मत भूलना. वो मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूं. मान लो ये क्लॉक है, समझना, तो अगर इस अर्थ का क्लॉक 24 घंटे का है तो पता है ह्यूमैनिटी कब अर्थ पर आई? पता है तुम्हें ह्यूमैनिटी अर्थ पर आई है 23:59:59 पे, यानी अंतिम सेकंड पे आ रखी है ह्यूमैनिटी. इतना बड़ा अर्थ का इतिहास है. और अगर सिर्फ हम लोग ह्यूमन की हिस्ट्री का बात करें, मान लो कि चलो ह्यूमन 100,000 साल पुराने हैं, तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता है कब डेवलप हुई है? जानोगे? ये हुई है 23:30 पर, यानी लास्ट के हाफ एन आवर में. यानी इससे पहले सारी दुनिया स्टोरीज पे चल रही थी, सिर्फ इमोशनल गेम पे दुनिया चल रहा था. याद करो स्टोरीज इतनी पावरफुल क्यों होती है, उसकी लर्निंग इतनी डीप क्यों चली जाती है. मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, या आप किसी को शेयर करते हो, या किसी की कहानियां आप सुनते हो, क्यों नहीं भूल पाते हो? क्योंकि हम अभी भी इमोशनल क्रिएचर हैं. हम लॉजिक से नहीं जीत सकते दुनिया को. मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हूँ, मैं देख रहा हूँ इन द गेम ऑफ सेलिंग, इन द गेम ऑफ पर्सुएशन, इमोशनल अपील से बड़ा कुछ नहीं है. याद रखना, पीपल बाय विद देयर इमोशन एंड जस्टिफाई विद देयर लॉजिक. अगर मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मेरे जेब अलाउ नहीं कर रहा है, मेरे जेब के औकात 12 लाख रुपए की है और मैं 60 लाख की मर्सिडीज लेना चाहता हूं, तो मैं अगर उसको लेना चाहता हूं, अगर मुझे वो इमोशनली अपील करती है कि वाह मैं लोगों में अलग दिखूंगा, मैं भीड़ से अलग दिखूंगा, तो मैं उसको ले ही लूंगा. और लोग अगर पूछेंगे तो मैं उसको लॉजिकली जस्टिफाई कर दूंगा, अरे यार मर्सिडीज की पावर बहुत है, इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, इसकी स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, इसका ऑटोमेटिक गियर बहुत अच्छा है, बैठने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. तुम लॉजिकली जस्टिफाई कर दोगे, लेकिन तुम भाई हमेशा इमोशनली करते हो. और मैं तुम्हें इतना डीप क्यों ले जा रहा हूं कि शुरू में तुम्हें लोगों के भीड़ का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, उनसे अलग नहीं दिखना है तुम्हें हर वक्त हर जगह, वरना फंस जाओगे, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा शुरू में. और मैं इसको तुम्हें जानबूझ के बहुत सारे रेफरेंसेस, एग्जाम्पल, मेटाफर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे कि मान लो तुम सुनते होगे बहुत बार कि धर्म वर्म खत्म हो गया, धर्म का कुछ नहीं है, सनातन कुछ नहीं है, इस्लाम कुछ नहीं है, यू नो जो भी धर्म बोलते हो. अब मैं लॉजिकल हो गया, अब मैं साइंस की बातें करता हूं. तुम एक बार अपना दिमाग अगर ठंडा करके सोचो, एक बार सोचते हैं चलो साथ में, फिलॉसफी की फाउंडेशन 2500 साल पहले लगभग रखी गई थी, सोक्रेटिस के थ्रू आया था, या उससे पहले भी बहुत लोग आए थे. सनातन की लर्निंग भी लगभग 4,000-6,000 साल लगभग पुरानी है, आई एम नॉट श्योर, बट 10,000 साल से पहले का ये सब कुछ नहीं था. तो इस चीज को समझो, कितनी चीजें आई, कितने लोगों ने अपना गला कटवा दिया, कितने कर्म कांड हुए, कितना वार हुआ, कितनी टेक्नोलॉजी आई, कितना कुछ आया गया, लेकिन कभी तुमने एक चीज सोचा है? धर्म कभी नहीं हिल पाया, रिलीजन का बेस कभी हिल ही नहीं पाया. लोग आज भी उतना ही आस्था रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो. उनका बिलीव करना अपने गॉड में हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कितना भी कुछ आता रहे. तो क्या हो रहा है, समझ रहे हो? इमोशनल अपील को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता. कुछ चीजें परमानेंट है, उसको नहीं हटाया जा सकता. और रिलीजन ने हर बार टाइम टेस्ट को पास किया है. तो समझो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको नहीं काट सकते. उसी तरह तुम्हें लोग से मिलाकर चलना, लोगों के साथ दिखना इंपॉर्टेंट है. तुम कितना भी डिनाई कर दो दैट आई एम अ लोन वुल्फ, ठीक है वो हो तुम, पर हर जगह दिखाओ मत, करो चुपचाप काम साइलेंट में. लेकिन जब मिलने जुलने की बारी आए, या लगे उनको प्रूफ करना है कि तुम उनसे अलग नहीं हो, तो ये मौका मत जाने देना. उनको लगना चाहिए कि तुम उन्हीं के कम्युनिटी के हो, उन्हीं के पार्ट हो. जैसे इसको एक और एनालॉजी समझो. मान लो कि ये सफेद भेड़ों का झुंड है, बहुत सारी सफेद भेड़े हैं, ठीक है,
तो इनके बीच मान लो एक काली भेड़ है, तो सफ़ेद भेड़ों को पता है क्या लगता है? सफ़ेद भेड़ों को लगता है कि ये हमारा या हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो वो इस भेड़ को बोलते हैं चला जा तू यहाँ से। और ये भेड़ बोलती है नहीं भाई मैं तेरे ही कम्युनिटी की हूँ, लेकिन बोलते हैं तू हमारी जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती, तू तो बिल्कुल काली है और हम लोग बिल्कुल सफ़ेद है, तू बिल्कुल हमसे अलग है। और वो इस भेड़ को उठाकर फेंक देते हैं। और पता है यहाँ कौन वेट कर रहा है इस काली भेड़ का? गेस करो, भेड़िए, वुल्फ्स, इसको जिंदा चबाने के लिए। ये होता है जब तुम ज्यादा हटकर दिखते हो तो, क्योंकि सिंपल साइकोलॉजी है, कोई भी चीज थोड़ी सी अलग होती है वो हमारा ध्यान खींचती ही है। जैसे मान लो तुम रील स्क्रॉल करते हो, कोई सडन एक अच्छा सा रील आता है, तुम ना चाहते हुए रुक जाते हो, वो अच्छा हो बुरा हो, हुक लेना चाहता हो, कोई सेक्सुअल चीजें उसके अंदर दिख रही हैं, कोई लड़की की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो है, कुछ अनयूजुअल सा है, कोई सुपर कार है, कोई सुपर हाउस है जिसको देख के तुम रुक जाते हो। मतलब हमारी लाइफ ऐसी होती है जो उथल पुथल होती है, तो हमें कुछ भी ऐसा दिखता है जिस पर हमारी नज़र रुक जाए तो हम रुक ही जाते हैं। इस पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है, सिंपल सी समझो। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जोनस साक, तो जोनस साक और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर एक टीके की खोज की जो बहुत इंपॉर्टेंट था। पर जोनस साक ये भूल गए कि उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं किया, इसमें सब साइंटिस्ट ने मिलकर, उनके दोस्तों ने मिलकर ये कंट्रीब्यूशन किया है। जब उस टीके की खोज हो गई तो उस टीके को लेके वो सब पब्लिक के आगे चले गए, मतलब जो मीडिया पब्लिसिटी करनी होती है वो करने चले गए, और उन्होंने कहा देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, देखो मैंने ये खोज निकाला, देखो मेरी मेहनत सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने सारे बाकी साइंटिस्ट को क्रेडिट नहीं दिया। तो साइंटिस्ट का ग्रुप समझ गया कि हमारे कम्युनिटी का पार्ट हो ही नहीं सकता, इसको बॉयकॉट कर दो। और जिंदगी भर भले ही वो लोगों के चहेते बने रहे, लेकिन ना उनके पास कोई फंडिंग थी, ना लोगों का सपोर्ट था, ना साइंटिस्ट की कोई कम्युनिटी बची थी, ना पैसों का सपोर्ट बचा था। इस तरह बर्बाद हो सकते हो अगर तुम चीजों को नहीं समझोगे। जिस जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें हर जगह मिलजुल के रहना है, लेकिन जिस कम्युनिटी में तुमको बड़ा होना है, पावर डायनेमिक्स को समझना है, टॉप क्लास पे बैठना है, वो तुम्हारा जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, यू नो तुम्हारी इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी हो सकती है, कहीं भी किसी फील्ड में जहां तुम्हें टॉप पर जाना है। इवन मैथ्यू की राइटिंग्स में जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि कुत्तों को पवित्र चीजें ना दे, सुअरों के आगे मोती ना उछाले, वो उस मोती की कीमत नहीं समझेंगे, उसको पैरों से कुचल देंगे। सो इसी के साथ मैं तुमको याद दिला देता हूं, ये पावर सीरीज अमेजिंग है। अगर तुम समझ गए ना वाकई में दैट वाओ दिस इज हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स एंड आई कैन नॉट डिनाई दिस रियल फैक्ट्स, क्योंकि इसको लिखा है अच्छे से रॉबर्ट ग्रीन ने विद द हेल्प ऑफ निकोलो मैकियावेली के पावरफुल टीचिंग्स के थ्रू। क्योंकि मैकियावेली को अगर तुम पढ़ते होगे तो तुम पावर डायनेमिक्स को और अच्छे से समझोगे। उनकी एक बुक भी है द प्रिंस, थोड़ी हार्ड रीड है लेकिन तुम समझोगे। मैं जब पढ़ा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को वो बुक एज अ बिगनर अभी तो, क्योंकि पावर की बुक से भी बहुत वो खतरनाक है। वो ऐसी ब्रूटल बातें करती है ना पावर के बारे में, तुम बोलोगे यार ये तो सीधे मारने काटने की बात कर रहा है, लेकिन अगर अपनी चीजों को बचाना है, कुछ गेम को समझना है, तो तुम्हें टॉप पे बैठना होगा और हाथ को गंदा करना पड़ेगा। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, वो तुम्हें भी जरूरत नहीं पढ़ने की, अभी 48 लॉस ऑफ पावर को डिटेल में समझो, जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड को डील करने में बहुत हेल्प करेगी। सो अब मैं इसको समरी करता हूं दो पॉइंटर में, गौर से सुनना। पहला, जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे पुतिन हो, चाहे बिस्मार्क हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सब ने इस पावर गेम को बहुत अच्छे से खेला है। वो जहां भी रहते थे पर वहां के लोगों को, इवन अपने दुश्मन को ये नहीं वो फील होने देते थे कि वो उनसे अलग है। जब उनको काम निकालना था, पावर डायनेमिक से गेम पे ऊपर जाना था और इमोशनल अपील करना नहीं बोलते, वो भी हमेशा जानते थे कि भावनात्मक रिस्पॉन्सेज लेना, भावनात्मक लेवल पे एक्ट करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ना कि जिसके थ्रू आप लोगों की कमजोर नस भी पकड़ सकते हो। और सेकंड पॉइंट है तुम्हारे लिए मैसेज कि तुम अभी यंग हो, जो मेरे वीडियोस मैक्सिमम लोग देखते हो, तो तुम करियर के गेम में अभी ऊपर जाना चाहते हो, पावर के गेम को जीतना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि भीड़ से अलग मत दिखो, नेवर आउटशाइन द मास्टर, एकाकीपन का क्या मत बनाओ। ये दो लॉ भी मैंने शेयर कर रखा है, हमेशा लगना चाहिए तुम भीड़ का हिस्सा हो, खासकर जब तुम प्रिपरेशन स्टेज में हो, जब लोग तुम्हें इतना नहीं जानते, जब तुम्हारी इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो लोगों से बिल्कुल अलग मत दिखो। कर रहे हो काम, चुपचाप रूम में लॉक करो, काम करो, कंप्लीट करो, करियर में टॉप क्लास बनो। जब ऐसा लगे कि तुम टॉप पर आ चुके हो, अब तुम अपने अकॉर्डिंग रूल्स को बदल सकते हो, तब एक्शन लेना अलग गेम है। आई विल से कि आगे भी चले जाओ, हमेशा लोगों को ये फील होने दो कि तुम कुछ भी सोचते हो लेकिन बिहेव उन्हीं के जैसा करते हो, एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर ऐसी कम्युनिटी में बैठे हो जहां लोग बहुत ही टाइम पास कर रहे हैं लेकिन तुम जो कुछ वक्त एस्केप नहीं कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट भी है, तो हंसना शुरू कर दो।
टाइम पास वाले लोग के साथ बैठे हो लेकिन जरूरत है टाइम पास करना शुरू कर दो। सीरियस वर्कर्स के साथ बैठे हो और तुम्हें जरूरी है वो करना, वो काम करना शुरू कर दो। इसी के साथ अगर तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स है जो तुम्हारे मन में विचार उठते हैं, मुझे पता है तुम अभी युवा हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे विचार उठते होंगे, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये जीतना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कनकर दिस बिजनेस वर्ल्ड और वट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू कनकर, बट मेक श्योर ये सिर्फ दो तीन लोगों को अपने डार्क सीक्रेट्स बताओ, सबको मत बताओ, सबको बस ऐसा लगो मैं तुम्हारा ही हूं, मैं चाहे जैसा भी सोचूं बट आई बिहेव लाइक यू, आई एक्ट लाइक यू। डोंट लेट एनी इडियट नो दैट ही इज एन इडियट एंड लेट हिम लिव इन हिज और हर फैंटेसी। सो अब बताओ कैसा लगा वीडियो, मैंने बहुत डिटेल जाके समझाया है, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताता हूँ, अगर मैं चाहता तो बस इसको मैं एक पॉइंट पर बता के खत्म कर सकता हूँ, जो कि बहुत रील्स पे अवेलेबल है, वो नहीं मैं करता हूँ। सो कैसा लगा सब लोग कमेंट करोगे, क्या लर्निंग्स है अभी तक, क्या सीरियस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, अपनी स्टोरीज ओपिनियन शेयर करो, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, आप सब जानते हो। इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक है तो लेट मी नो, आज नहीं तो कल, अच्छा हुआ तो बनेगा ज़रूर।